हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम प्रो स्टार्टर प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बहुत सारे यूजर्स मेरे चैनल में प्रीवियस वीडियोस में कमेंट किया प्रो स्टार्टर के बारे में भी वीडियोस बनाया करके। सो इस वीडियो में प्रो स्टार्टर का फर्स्ट आईडियो भी लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड आपको कोई भी टोकन्स होल्ड करने की जरूरत नहीं, विदाउट होल्डिंग टोकन्स भी आप इस पर्टिकुलर आईडियोस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड विद होल्डिंग टोकन्स आपको विनिंग चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्यों सब करना है तो मेरे चैनल में एक 1 लाख रुपीज का गिव अवे दे रहा हूं। मैं कल एक वीडियो बनाया था, सो उसका फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। सो उस फॉर्म को जस्ट फिल कीजिए एंड आप भी 1 लाख रुपीज अर्न कर सकते हैं। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग, व्हाट इज प्रो स्टार्टर? सो प्रो स्टार्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो प्रो स्टार्टर एक आईडियो प्लेटफॉर्म है। सो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा आईडियो प्लेटफॉर्म है, बट इस पर्टिकुलर आईडियो प्लेटफॉर्म कंपेयर टू अदर आईडियो प्लेटफॉर्म कैसे डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट। सो फर्स्ट थिंग, इसका मल्टीपल चेन्स में इसमें आईडियोज कंडक्ट कर सकते हैं। इनिशियली देर स्टार्टिंग विद बाइनेंस स्मार्ट चेन, ट्रॉन चेन एंड इथेरियम चेन। सो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई भी टोकन सेल्स है तो थ्रू प्रो स्टार्टर आईडियोज कंडक्ट कर सकते हैं। सो एक्सचेंज लिस्टिंग देखा तो यूनिस्वैप में लिस्ट हो गया, हॉटबिट में हो गया, प्रोबिट में भी इसका लिस्टिंग हो गया। सो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ऑलरेडी इसका फर्स्ट आईडियो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। सो उसका नाम है ऑक्टोपस प्रोटोकॉल। सो इसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड कमिंग टू फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो व्हाई प्रो स्टार्टर, प्रो स्टार्टर अदर आईडियोस प्लेटफॉर्म से कंपेयर किए तो कैसे डिफरेंस है वो हमको अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग है, इसका मेन फीचर ये है कि इसका फर्स्ट थिंग जो है वन टाइम केवाईसी प्रोसेस। सो वन टाइम केवाईसी प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर आप पोलका स्टार्टर आईडियोस का बारे में अवेयर है तो पोलका स्टार्टर में जब भी आप व्हाइट लिस्ट होते हैं तो एवरी सिंगल टाइम आपको व्हाइट लिस्टिंग प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होना होता है। मतलब एवरी टाइम आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, वैलिडेट करना होगा, कभी कभी डिलेज भी हो सकता है एंड आपका व्हाइट लिस्टिंग स्पॉट मिस हो जाता है। सो इसमें आपको वन टाइम केवाईसी ऑप्शन है। सो एक बार आप व्हाइट लिस्टिंग केवाईसी सबमिट किया तो अब फ्यूचर में कभी केवाईसी करने का जरूरत नहीं। सो इसका फर्स्ट एडवांटेज कंपेयर टू पोलका स्टार्टर। सो देन इस टाइप का वन टाइम केवाईसी ऑलरेडी हमको पेड इग्निशन प्लेटफॉर्म में भी देखने को मिलता है। सो इसमें भी सेम फीचर हो रहा है। सो सेकंड एंड माय फेवरेट फीचर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज लाइव व्हाइट लिस्टिंग प्रोसेस। सो लाइव व्हाइट लिस्टिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि लाइव में जो भी यूजर्स इसमें व्हाइट लिस्टिंग फॉर्म सबमिट किया वो सारा लाइव में देख सकते हैं व्हाइट लिस्टिंग एड्रेसेस को। सो वो इसका मेन फीचर है। थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रन होता है ऑटोमेटिकली। सो कोई भी इसमें फिक्सिंग नहीं होगा। सो बहुत सारा यूजर्स बोलते हैं मुझे कमेंट्स में, पोलका स्टार्टर जो है इन्फ्लुएंसर्स को, लाइक मी इन्फ्लुएंसर्स को डायरेक्टली एलोकेशन देता है, व्हाइट लिस्टिंग स्पॉट देता करके। वैसा कुछ नहीं है, बट फिर भी कुछ यूजर्स को ऐसा माइंड में रहता है। सो पोलका स्टार्टर का व्हाइट लिस्टिंग स्पॉट जो है अदर यूजर्स को जाता है, बट प्रो स्टार्टर में वो चांस नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली लाइव व्हाइट लिस्टिंग प्रोसेस होगा। सो लाइव व्हाइट लिस्टिंग प्रोसेस कैसे होगा आपको सिंपल एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। सो इस पर्टिकुलर इसका वेबसाइट में जाके देख सकते हो, ऊपर लाइव व्हाइट लिस्टिंग का स्क्रीन आएगा। सो इसमें आपको जब भी व्हाइट लिस्टिंग टाइमर इधर फिनिश होता है तब लेफ्ट साइड में देख सकते हैं प्रो स्टार्टर का टोकन होल्डर्स पूल्स का वैलेट्स इधर दिखेगा, राइट साइड में पब्लिक वैलेट होल्डर्स का एड्रेसेस दिखेगा। सो एंड टाइमर स्टार्ट होने के बाद इमीडिएटली इस पर्टिकुलर प्रो स्टार्टर टोकन होल्डर्स एंड पब्लिक टोकन होल्डर्स का ड्रॉ चलेगा एंड व्हाइट लिस्टिंग विनर्स बीच में ऐड हो जाएगा। सो आपको सिंपल डेमो दिखा दूंगा, उसका वेबसाइट में, उसका यूट्यूब चैनल में है डेमो। सो इस टाइप का व्हाइट लिस्टिंग लाइव स्टार्ट होने के बाद देख सकते हैं स्क्रीन में रैंडमली फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट व्हाइट लिस्टिंग एड्रेसेस सेलेक्ट होके बीच में आ रहा है। सो जो भी वैलेट बीच में आ रहा है ऑटोमेटिकली वो वैलेट्स व्हाइट लिस्ट हो जाएगा। सो एंड अनदर मेन फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो इसमें मेन फीचर जो है गारंटीड एलोकेशन। सो अगर आप देख लिया तो पोलका स्टार्टर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको व्हाइट लिस्टिंग होने के बाद भी आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में एलोकेशन मिलेगा। मतलब अगर पोलका स्टार्टर प्लेटफॉर्म में फर्स्ट थिंग जो है व्हाइट लिस्टिंग होना डिफिकल्ट टास्क है, सो व्हाइट लिस्टिंग होने के बाद भी आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में पार्टिसिपेट करना होगा। सो बहुत सारे यूजर्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस लूज हो जाता है एंड व्हाइट लिस्टिंग होने के बाद भी उसको एलोकेशन कुछ नहीं मिलता है। सो वो उसका ड्रॉबैक है। सो प्रो स्टार्टर में अगर आप एक बार लाइव व्हाइट लिस्टिंग में व्हाइट लिस्ट होने के बाद आपको गारंटीड एलोकेशन मिलेगा। सो इसका मतलब आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कुछ नहीं रहेगा, गैस वर्स नहीं रहेगा। सो डायरेक्टली आपको एलोकेशन फ्री में एज ए इन प्लेट में डाल के आपको मिल जाएगा। सो मतलब आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन में, अगर आपको इस पर्टिकुलर लाइव व्हाइट लिस्ट में आपका एड्रेस सेलेक्ट हो गया तो आपको इस टाइप का पॉपअप आएगा, यू हैव वन, सो गेट योर एलोकेशन इन 10 मिनट्स। सो 10 मिनट्स टाइम में आपको क्लिक करके आराम से 10 मिनट्स टाइम में आपको एलोकेशन ले सकते हैं, कोई भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं रहेगा। सो वो इसका अनदर गुड एडवांटेज है। सो
ये है इसका पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन विद एग्जिस्टिंग आईडीओ प्लेटफॉर्म्स एंड हाउ इज इट डिफरेंट. सो मेरे हिसाब से वेरी गुड फीचर्स अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का. सो अभी हम बात करते हैं इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ऑक्टोपस प्रोटोकॉल जो लॉन्च हो रहा है. सो उसके बारे में डिस्कस करते हैं फर्स्ट थिंग, देन व्हाइट लिस्टिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, स्टेकिंग कैसे करना वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो फर्स्ट थिंग, ऑक्टोपस प्रोटोकॉल क्या है? सो ऑक्टोपस इज एन ओपन प्रोटोकॉल टू क्रिएट, एक्सचेंज, सेटल एंड मैनेज सिंथेटिक एसेट. सो इसको सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करना है तो ऑक्टोपस प्रोटोकॉल जो है सिमिलर टू सिंथेटिक्स. सिंथेटिक्स का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप में अवेलेबल है, उसका रैंकिंग है 66 रैंक है. इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का कंपेयर कर रहा है, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को कंपटीशन दे रहा है सो ऑक्टोपस. सो बेसिकली इसमें सिंथेटिक एसेट्स क्या होते हैं? सो आपको रियल वर्ल्ड एसेट्स और लाइक इक्विटीज, कमोडिटीज को टोकनाइज करके इस पर्टिकुलर ऑक्टोपस प्रोटोकॉल में आप स्टेकिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं. सो इसका मेन फीचर है. सो सेम लाइक सिंथेटिक्स, सो सिंथेटिक्स का प्लेटफॉर्म का एग्जांपल दिखा रहा है आपको, सिंथेटिक्स का प्लेटफॉर्म का एग्जांपल है. इसमें देख सकते हैं इक्विटीज लाइक एस टेस्ला, मतलब टेस्ला के इक्विवेलेंट स्टॉक्स में आप इसमें बाय और सेल कर सकते हैं थ्रू क्रिप्टो. एंड कमोडिटीज में देखा तो एस ऑयल, एस गोल्ड भी अवेलेबल है. सो मतलब अगर आप ऑयल में ट्रेड कर रहे हैं तो, अगर जस्ट एग्जाम्पल दे रहा आपको, सो प्रीवियसली आपको देख सकते हैं लास्ट ईयर इन मार्च में ऑयल का प्राइस ऑलमोस्ट नेगेटिव में चले गया था. सो उस टाइम में आप देख लीजिए, आपको उस पर्टिकुलर ऑयल कमोडिटी को बाय करने का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उसको बाय करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. सो अभी वंस ऑक्टोपस प्रोटोकॉल लॉन्च होने के बाद इसका सिंथेटिक एसेट्स के थ्रू आप फ्रीली कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं एंड इक्विटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं, दैट टू विदाउट एनी रेगुलेशन. सो ये इसका मेन एडवांटेज हो सकता है. सो कमिंग टू ऑक्टोपस प्रोटोकॉल का टीम देखा तो बहुत ही बड़ा टीम है जिसका एक्सपीरियंस देख सकते हैं. वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक सिटी बैंक, मैकेफी टाइप का बड़ा कंपनीज में उसका एक्सपीरियंस अवेलेबल है. सो इसका एडवाइजरी टीम देखा तो केएल है इसमें. सो केएल इज द फाउंडर ऑफ पेड इग्निशन प्लेटफॉर्म, सो वो भी इसका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एडवाइजर है. सो अभी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का व्हाइट लिस्टिंग प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है. सो प्रो स्टार्टर व्हाइट लिस्टिंग प्रोसेस इज वेरी सिंपल. सो इसमें आपको नंबर ऑफ टोकन्स लॉग्ड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय डिवाइजर. सो डिवाइजर जो है 200K. सो इसका मतलब आप 2000 प्रो स्टार्टर टोकन्स को 100 डेज लॉक किया तो आपको 1 लॉटरी टिकट मिल जाएगा. सो वेरी वेरी इजी. सो इसका जो भी डिवाइजर है आप देख सकते हैं, अगर आपको 200K आपके पास है तो 200K टोकन्स 1 डे के लिए लॉक किया तो आपको 1 टिकट मिल जाता. सो सिमिलर वे अगर आपके पास 4000 प्रो स्टार्टर टोकन्स को 100 डेज तक लॉक किया तो आपको डिवाइड बाय 200K इज द डिवाइजर, सो 2 लॉटरी टिकट्स आपको मिल जाएगा. सो ऐसा आपको कैलकुलेट करके आपको कितना टोकन्स लॉक करना है कैलकुलेट करके आप लॉक कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ टिकट्स एन कर सकते हैं. एंड इसका कंप्लीट न्यू मैकेनिज्म है फॉर अर्निंग लॉटरी टिकट्स. सो अभी हम बात करते हैं इसका फर्स्ट आईडियो व्हाइट लिस्टिंग का प्रोसेस के बारे में. सो प्रो स्टार्टर का फर्स्ट आईडियो जो है ऑक्टोपस प्रोटोकॉल अभी हमने डिस्कस किया, उसका व्हाइट लिस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया. सो 5th जून को स्टार्ट हुआ, एंड होगा 8th जून को, एंड टिकट्स कैलकुलेशन होगा 8th जून को, एंड लाइव आईडियो व्हाइट लिस्टिंग होगा 9 जून 5:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से. सो इसमें टोटल $100,000 वर्थ ऑफ एलोकेशन है. ईच टोकन इज प्राइस एट $0.15. $300 का इंडिविजुअल एलोकेशन साइज है, एक टिकट के लिए $300 का एलोकेशन मिल जाएगा. एंड 200 एलोकेशन स्लॉट जो है प्रो स्टार्टर टोकन होल्डर्स के लिए है, एंड 133 एलोकेशन जो है पब्लिक पूल्स के लिए. सो अगर आपके पास टोकन स्टेक करने के लिए आपको अफोर्ड नहीं कर रहा तो आप विदाउट टोकन भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. प्रो स्टार्टर कम्युनिटी जो है कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा है एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोकन जो है कम्युनिटी को दे रहा है विदाउट इवन होल्डिंग. सो दैट इज वन गुड साइन. सो प्रो पोलका स्टार्टर में अभी कम्युनिटी राउंड डिजेबल हो गया, बट प्रो स्टार्टर में अभी भी आपको कम्युनिटी राउंड अवेलेबल है. सो उसका कम्युनिटी को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है हम देख सकते हैं. सो अभी इसका टोकन रिलीज शेड्यूल भी आपको ध्यान में रखना होगा इसमें पार्टिसिपेट करने से पहले. सो 40% टोकन जो है आपको रिलीज होगा टोकन जनरेशन इवेंट, एंड रिमेनिंग टोकन जो है 20% वीकली लीनियर रिलीज होगा. सो ये भी एक गुड एडवांटेज है, टोकन का इनिशियल प्राइस थोड़ा पंप होने का चांसेस है. सो अभी हम बात करते हैं आप इस पर्टिकुलर व्हाइट लिस्टिंग फॉर्म कैसे सबमिट करना है. सो वेरी सिंपल. सो फर्स्ट थिंग आपको स्टेक करना कैसे है वो दिखा दूंगा. सो प्रो स्टार्टर वेबसाइट में जाना होगा, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना होगा. सो वंस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रीन आ जाएगा.
सो आपको राइट साइड में कनेक्ट वैलेट के ऊपर क्लिक करके वैलेट को कनेक्ट करना होगा। सो वंस वैलेट कनेक्ट करने के बाद आप इसमें स्टेकिंग कर सकते हैं। सो इनिशियली केवाईसी इज करेंटली नॉट अवेलेबल, सो केवाईसी एनेबल हो जाएगा सून। सो आपको कोई भी केवाईसी करने का जरूरत नहीं फर्स्ट इनिशियली। सो फर्स्ट थिंग आपको टोकन कैसे स्टेक करना है फॉर लॉटरी टिकट, वो आपको दिखा दूंगा। सो उसके लिए लेफ्ट साइड में लॉक टोकन के टैब में जाना होगा। नंबर ऑफ प्रो स्टार्टर टोकन आपको कितना स्टेक करना है एंटर कीजिए, एंड नंबर ऑफ डीज एंटर कीजिए एंड क्लिक ऑन लॉक टोकन। सो वंस ये एंटर करने के बाद आपका टोकन जो है इधर मिनिमम 2000 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम 300 डेज तक लॉक कर सकते हैं। सो 2000 टोकन 100 डेज तक लॉक करके आप वन लॉटरी टिकट एंड कर सकते हैं फॉर 100 डेज। सो इसका मतलब 100 डेज के लिए आप कितने भी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में टोकन सेल्स होगा उस सारा प्लेटफॉर्म सारा टोकन सेल्स में आपको वन लॉटरी टिकट मिलेगा। एंड 100 डेज में आपको एक भी एलोकेशन मिला तो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस आने का चांसेस है। सो और मोर प्रॉफिट भी मिलने का चांसेस है। सो 100 डेज तक आपको 2000 टोकन्स भूलिए है तो आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में वन लॉटरी टिकट पर एवरी टोकन सेल आपको मिल जाएगा। सो वन से आपको लॉक टोकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका 2000 टोकन जो है 100 डेज तक लॉक हो जाएगा। बीच में आप अनस्टेक नहीं कर सकते बट आपको वन लॉटरी टिकट पर एवरी सेल मिल जाएगा। सो 100 डेज के बाद आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं व्हाइट लिस्टिंग फॉर्म कैसे सबमिट करना है। सो व्हाइट लिस्टिंग फॉर्म के लिए भी सेम प्रोसेस, आपको वैलेट कनेक्ट करना होगा। लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑक्टोपस प्रोटोकॉल दिख जाएगा, उसमें अप्लाई फॉर व्हाइट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। सो इधर प्रोजेक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हैं, राइट साइड में अप्लाई फॉर व्हाइट लिस्टिंग फॉर्म दिख जाएगा। सो इसमें आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, आपका वैलेट जो कनेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। एंड सेलेक्ट पूल में आपको अगर आप प्रो स्टार्टर टोकन के थ्रू एटलीस्ट वन टिकट मिला तो प्रो स्टार्टर पूल सेलेक्ट कीजिए, अगर आप पब्लिक पूल में पार्टिसिपेट करना है तो पब्लिक पूल सेलेक्ट कीजिए। सो वंस ये सेलेक्ट करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल, ट्विटर हैंडल एंड टेलीग्राम में रीट्वीट करके उसका लिंक शेयर करना होगा। एंड ये सारा टिक मार सेलेक्ट करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड दैट्स ऑल, वंस ये सबमिट करने के बाद आपका व्हाइट लिस्टिंग एंट्री इन ऑक्टोपस प्रोटोकॉल एंट्री हो जाएगा। एंड ऑन 9th जून लॉटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होगा लाइव, वो देख सकते हैं। अगर आपका वैलेट में एलोकेशन मिला तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बाय बटन ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट प्रो स्टार्टर आईडियो प्लेटफॉर्म का कंप्लीट प्रोजेक्ट ओवरव्यू। सो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प लगा, अच्छा लगा, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड आपका गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो 1 लाख रुपीज इन INR गिव अवे दे रहा है। सो उसका फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो उस फॉर्म को फिल करके आप इस पर्टिकुलर गिव अवे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।